हैं कृपा जी, आप लोग बहुमत साबित कर पाएंगे? बहुमत की नौबत आएगी? मुझे लगता है कि बड़ा क्लियर आंकड़ा आप ही लोग दिखा रहे हैं, पूरा क्लियर आंकड़ा आप लोग दिखा रहे हैं। 39 विधायक जो शिवसेना से अलग हुए हैं वो कला रहे हैं, और विश्वास मत किसको हासिल करना, सरकार को, सरकार को हासिल करने दीजिए, फिर आगे बात होगी। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे या बहुमत परीक्षण में आप लोगों को कुछ जानकारी? ये तो उनका फैसला, उनके बारे में हम कैसे? लेकिन आप लोग जो है संतुष्ट हैं जिस तरीके से फैसला आया है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोत्तम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय जो फैसला आया है, लोकतंत्र का यही फैसला, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा फैसला है, उनको मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन वो जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो लगातार कोर्ट में ये कह रहा था कि देखिए राज्यपाल ने बहुत जल्दबाजी में फैसला जारी किया, अब जो कोर्ट के निर्णय के बाद हमको कोई मतलब उस पर बोलना नहीं। लेकिन आप लोगों की सरकार बन रही है, अब सरकार पहले एक सरकार जाए तो दूसरी सरकार बनेगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री या और ये तो बात की बात है। तो अभी अभी विधायक दल की जो बैठक है उसमें क्या चर्चा होनी है? अब विधायक दल की बात चर्चा होनी भैया, कैसे बता दें एडवांस में? तो ये है कृपा शंकर सिंह जो कि बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए सरकार बनेगी, अब वो इस्तीफा देंगे या बहुमत परीक्षण में हारेंगे ये उनको तय करना है। लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त जो तमाम बीजेपी के नेता हैं उनका यही रिएक्शन है। जो विधायक है उनको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है अंकित, लेकिन आपने कृपा शंकर सिंह से कुछ सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि आंकड़े साफ तौर पर दिख रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज जिसका अभी सुमित जिक्र कर रहे थे वो दिखाई दे रही है। सुमित मैं आपके पास लौटू, उससे पहले विकास भदौरिया के पास एक बड़ी जानकारी है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। विकास, शिंदे गुट के विधायकों को लेकर एक बड़ी खबर है कि उनको मुंबई लाने का फैसला टाला जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी के सूत्रों ने हमें बताया है कि उनको इस बात की जानकारी है कि उद्धव ठाकरे ट्रस्ट वोट में नहीं जाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भले ही विधानसभा के भीतर भाषण दें लेकिन ट्रस्ट वोट की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसी सूरत में बागी विधायकों को मुंबई लाने का अभी फैसला टाला जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले का रिव्यू सुबह तक किया जाएगा कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे विधानसभा भवन भी ना जाएं, हो सकता है वो फेसबुक लाइव करके अपने इस्तीफे का अनाउंस कर दें, अपने इस्तीफे की घोषणा कर दें और उसके बाद सीधे राजभवन जाके अपना इस्तीफा दे दें। तो ऐसी सूरत में फिर से ट्रस्ट वोट की नौबत नहीं आएगी। जब तक कि ट्रस्ट वोट की नौबत ना हो या नई सरकार का गठन ना हो जाए तब तक बागी विधायकों को गोवा में ही रखने का एक विचार किया जा रहा है। ये फैसला किया जा सकता है कि फिलहाल उनको गोवा में ही रखा जाए, जरूरत पड़ने पर ही मुंबई लाया जाए। सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास शुक्रिया इस बड़ी खबर के लिए। सुमित रूबिका, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो विकास ने खबर दी, और मैं इसको इससे भी जोड़ के देख रहा हूँ कि आज ही उद्धव सरकार ने अपने आखिरी कैबिनेट के फैसले में कुछ ऐसे मुद्दों के मंजूरी दी है जो कि हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे संभाजी नगर नाम रख दिया औरंगाबाद का, जैसे उस्मानाबाद का नाम बदलने का फैसला हो गया। ये वो फैसले थे जिस पर शिवसेना के विधायक लगातार बीते 2.5 साल से अपने मुख्यमंत्री से अपील कर रहे थे, शिवसैनिक अपील कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये डर हो सकता है बीजेपी के मन में, एकनाथ शिंदे के गुट के विरोधियों के मन में, कि ये लोग जो इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट करते रहे, अब जब ये मुद्दे कैबिनेट ने पास कर दिए हैं तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे इनको ल्योर करें, इनको समझाएं कल कि भाई वापस घर लौट आओ, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूं। ऐसे में जो एकता दिखी है बीते 10 दिनों में वो कहीं बिखर ना जाए। तो 21 तारीख से लेकर 30 तारीख का जो 10 दिनों का जो ड्रामा है वो आखिरी मौके पे बिफरे ना बिखरे ना, इसीलिए विकास जो बात कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये बागी लोग को महाराष्ट्र लेके ही ना आया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये मैं अंडरलाइन बड़े क्लियर कर दूं कि संख्या के मामले में जितने हाउस की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है उससे बीजेपी की जीत पर फर्क नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास है। रूबिका, सुमित दो बातें क्लियर हैं, वो ये है कि कल कुछ भी हो जाए पलड़ा इस वक्त बीजेपी का और उनके साथ जो जा रहे समर्थक है वो निर्दलीय, उनका फायदा पलड़ा भारी साफ तौर पर दिख रहा है। और ये देखिए फेसबुक लाइव की तैयारी हो चुकी है, किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को, महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर सकते हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या फेसबुक लाइव के दौरान ही वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत, इसके हाव भाव, इसकी बॉडी लैंग्वेज सुमित उन्होंने एकदम आज जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी उसी वक्त कर दी थी, थैंक यू कहकर, धन्यवाद कहकर, माफी मांगकर। बिल्कुल, और आपको याद होना चाहिए पिछला जो फेसबुक लाइव उन्होंने किया था मेरे ख्याल से 22 तारीख की शाम को या 23 तारीख की शाम को,
उसमें वो सरेंडर के मूड में थे, सरकार सरेंडर के मूड में आ गए थे और एक नहीं दो नहीं कम से कम पांच बार कहा था कि भाई मुझे बताओ तो सही कि क्या शिकायत है मुझसे, मेरा इस्तीफा चाहते हो, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। विकास करो करते उनके पास कोई जानकारी है? विकास, जी हाँ बिल्कुल, देखिए अभी अभी ने हमने मतोश्री के सूत्रों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि इस फेसबुक लाइव में उद्धव ठाकरे इस्तीफे की घोषणा करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे अपने इस्तीफे की घोषणा कर देंगे। जैसा कि हमने शाम को बताया था कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं कोर्ट के फैसले के बाद, अब वो जमीन पर उतरने जा रही है वो खबर, वो सच होने जा रही है। अब से बस थोड़ी देर पहले बात की हमने मातोश्री के सूत्र से और वो सूत्र खुद इस फेसबुक की लाइव की तैयारी में जुटे हुए थे। हमने एक लाइन का सवाल पूछा कि ऐसी फेसबुक की लाइव में वो अपने इस्तीफे की घोषणा कर देंगे, मुख्यमंत्री साफ तौर पर बताया गया जी हाँ इसी फेसबुक की लाइव में इस्तीफे की घोषणा कर देंगे। तो एबीपी न्यूज़ पर सबसे बड़ी खबर, अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने इस्तीफे की घोषणा करने जा रहे हैं, फेसबुक लाइव की तैयारी हो रही है और इसी फेसबुक की लाइव में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पिछली बार जब फेसबुक लाइव किया था तो वो उससे पहले का कंफ्यूजन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या कहेंगे, उन्हें थोड़ा नरम होकर बोलेंगे या थोड़ा गर्म होकर बोलेंगे अपने जो बागी विधायक है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और विकास भदौरिया इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे 13 घंटे बाद जो फ्लोर टेस्ट होना है कल महाराष्ट्र में, कौन सी पार्टी सबसे मजबूत और कौन सरकार बनाएगी, उससे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, इनफैक्ट 9:31 हो रहे हैं और किसी भी वक्त अब उद्धव ठाकरे लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि वो इसी फेसबुक लाइव में इस्तीफा दे सकते हैं। क्लैरिटी तभी आनी शुरू हो गई थी जब शाम को कैबिनेट की बैठक में उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को, इनफैक्ट नए नवेले मिनिस्टर्स को भी 2.5 साल अगर कोई भूल चूक हुई है तो माफ कर दीजिएगा कहा, उन्हें कहा कि आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसके बाद आभार जताया, उनके जो साथी थे स्टाफ के लोग थे उनको थैंक यू बोला और तभी लगने लगा था कि पक्का मन बना लिया है उद्धव ठाकरे ने। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।